हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे थ्री एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग कौन से सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। तो हमारा सेंटेंसेस दिया हुआ है, वे लोग हंसते ही रहते हैं, सीता नाचती ही रहती है, तुम होते कौन हो बोलने वाले, तुम होते कौन हो आज्ञा देने वाले, उस दो कौड़ी के इंसान से मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, उस दो कौड़ी के नौकर को मैं नहीं देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और सारे सेंटेंस को एक एक करके अच्छे से सीख लीजिए ताकि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में आसानी से बोल सकें। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हु आर यू, क्या लिखना है, हु आर यू। फिर उसके बाद हमें लिखना है टू, टू लिखने के बाद हमारे जो भी वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यही हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसी का यूज करेंगे और सारे सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट करके आपको सिखाएंगे ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं बचा रहे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल दिया है, तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें तो यही लिखना है, तो हम लिखेंगे हु आर यू, हु आर यू। फिर हमें टू लिखना है तो हम टू लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि क्या काम हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है तो बोलने का मीनिंग लिख दीजिए, हो गया स्पीक। तुम होते कौन हो बोलने वाले, तो इसका इंग्लिश बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा हु आर यू टू स्पीक, हु आर यू टू स्पीक। अगला दिया है तुम होते कौन हो बताने वाले, तो बताने वाले देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा हु आर यू, वही लिखना है। फिर उसके बाद हमें टू लिखना है। अब यहाँ पे बताना का मीनिंग क्या होता है, बताना का मीनिंग टेल होता है, तो हम लिखेंगे टेल, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम होते कौन हो बताने वाले, तो इसका इंग्लिश बन गया हु आर यू टू टेल, हु आर यू टू टेल। अगला दिया है तुम होते कौन हो सिखाने वाले, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा वही हु आर यू, हु आर यू। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टू। अब यहाँ पे देखिए, सिखाना या फिर पढ़ाना दोनों एक ही बात होती है, तो यहाँ पे उसी का मीनिंग होता है टीच, सिखाना भी हम कह सकते हैं, पढ़ाना भी कह सकते हैं। देखिए, तुम होते कौन हो सिखाने वाले, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हु आर यू टू टीच, या फिर हमें बोलना हो तुम होते कौन हो पढ़ाने वाले, तब भी इसका इंग्लिश यही रहेगा हु आर यू टू टीच। दोनों का मीनिंग सेम होता है, सिखाना पढ़ाना एक ही बात होती है। अगला सेंटेंस हमारा दिया तुम होते कौन हो बुलाने वाले, तो सबसे पहले तो हमें लिखना है वही हु आर यू, हम लिखेंगे हु आर यू, फिर हमें टू लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए बुलाने की मीनिंग भी है, बुलाने का होता है कॉल, तो फिर कॉल लिख देंगे, हो जाएगा तुम होते कौन हो बुलाने वाले, हु आर यू टू कॉल, हु आर यू टू कॉल। अगला दिया है तुम होते कौन हो आदेश देने वाले, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमारे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले आई डोंट, सबसे पहले हमें लिखना है आई डोंट वांट, आई डोंट वांट टू। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जो भी हमारी बात रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डैट, फिर डैट टू बी, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी मीनिंग लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे इंसान है तो इंसान की मीनिंग, लड़के हैं तो लड़के की मीनिंग, नौकर है तो नौकर की मीनिंग, लड़की है तो लड़की की मीनिंग, और आदमी है तो आदमी की मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है आई डोंट वॉन्ट टू, फिर उसके बाद जो भी हमारी वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे डैट टू बीट, फिर उसके बाद वहाँ पे डॉट 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 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी मीनिंग लिखनी है जो सेंटेंस में हमारा दिया हुआ है, जैसे इंसान है तो इंसान की मीनिंग, लड़के हैं तो लड़के की मीनिंग, नौकर है तो नौकर की मीनिंग, लड़की है तो लड़की की मीनिंग, और आदमी है तो आदमी की मीनिंग। तो चलिए अब हम लोग इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके सारे सेंटेंस को एक एक करके अच्छे से सीखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल दिया हुआ कि उस दो कौड़े के इंसान से मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा आई डोंट वॉन्ट टू। फिर उसके बाद मिलना की बात करिए तो हम मिलना के लिए लिखेंगे मीट, आई डोंट वॉन्ट टू मीट। फिर हमें लिखना है डैट, डैट टू बिट। अभी यहाँ पे इंसान के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम मैन का यूज करेंगे, चाहे तो हम पर्सन भी यूज कर सकते हैं। तो उस दो कौड़ी के इंसान से मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई डोंट वॉन्ट टू मीट डैट टू बिट मैन, आई डोंट वॉन्ट टू मीट डैट टू बिट मैन। अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है उस दो कौड़ी के लड़के से मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना है आई डोंट
वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट टू, फिर बात करने की बात हो रही है तो हम लिखेंगे टॉक, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, डैट डैट टू बिट वॉन्ट। देखिए उस दो कौड़ी के लड़के से मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो गया आई डोंट वॉन्ट टू टॉक डैट टू बिट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक डैट टू बिट वॉन्ट। अगला है उस दो कौड़ी के नौकर को मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो इसलिए बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू। अब यहाँ पे देखने की बात हो रही है तो हम लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे डैट टू बिट, डैट टू बिट। अब यहाँ पे नौकर की बात हो रही है तो हम नौकर का मीनिंग लिखेंगे डैट सर्वेंट। देखिए उस दो कौड़ी के नौकर को मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई डोंट वॉन्ट टू सी डैट टू बिट सर्वेंट, आई डोंट वॉन्ट टू सी डैट टू बिट सर्वेंट। अगला दिया है उस दो कौड़ी की लड़की से मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सबसे पहले वही हमें लिखना पड़ेगा आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू। फिर मिलने की बात हो रही है तो मिलना का मीट होता है, फिर हम लिखेंगे डैट टू बिट, टू बिट गर्ल, लड़की का है तो हम लिखेंगे गर्ल। तो देखिए उस दो कौड़ी की लड़की से मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई डोंट वॉन्ट टू मीट डैट टू बिट गर्ल, आई डोंट वॉन्ट टू मीट डैट टू बिट गर्ल। अगर यह है उस दो कौड़ी के आदमी को मैं पैसे नहीं देना चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताना है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डू या डज। अगर हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा तो हम डज का यूज करेंगे, अगर हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग डू का यूज करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे नथिंग, डू या डज लिखने के बाद हम लिखेंगे नथिंग, फिर उसके बाद हम लगाएंगे बट, फिर उसके बाद हमारी जो भी वर्ब रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यही हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसी का यूज करके सारे सेंटेंस को एक एक करके अच्छे से सीखेंगे, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला सेंटेंस दिया हुआ वह खेलता ही रहता है, मतलब वो कुछ नहीं करता है बस खेलता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ ही, तो हम ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ही हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए हम यूज करेंगे डज, हम लिखेंगे डज, फिर उसके बाद नथिंग, फिर उसके बाद हमें यूज करना है बट, तो हम बट लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या काम हो रहा है खेलने का, तो हम लगा देंगे प्ले। हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, सॉरी हमारा सेंटेंस बन गया, वह खेलता ही रहता है तो इसका इंग्लिश हो गया ही डज नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले। अगला सेंटेंस है तुम सोते ही रहते हो, तो तुम मतलब यू, और यू हमारा प्लूरल नंबर है इसलिए इसके साथ हम यूज करेंगे डू, फिर लिखेंगे नथिंग, फिर उसके बाद हमें यूज करना है बट, तो हम बट लिख लिया। फिर उसके बाद इसमें देखिए क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सोना का मीनिंग स्लीप लिख देंगे, तो हमारा बन गया तुम सोते ही रहते हो, तो इसका इंग्लिश हो गया यू, यू डू नथिंग बट स्लीप, यू डू नथिंग बट स्लीप। अगला है सीता गाती ही रहती है, यहाँ पे सीता, सीता हमारा नेम है मतलब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का है, इसलिए यूज होगा डज, सीता डज नथिंग, मतलब सीता कुछ नहीं करती है बट क्या करती है गाती है, बट सिंग, सीता डज नथिंग बट सिंग, सीता डज नथिंग बट सिंग। अगला है वे लोग हंसते ही रहते हैं, वे लोग मतलब दे, थर्ड वॉस प्लूरल नंबर के हैं तो इसलिए इसके साथ यूज होगा डू, डू नथिंग, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बट लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो भी काम हो रहा है हंसने का काम हो रहा है तो हम लिखेंगे लॉ, हो गया वे लोग हंसते ही रहते हैं दे डू नथिंग बट लॉ, दे डू नथिंग बट लॉ। अगला है बच्चे शोर करते ही रहते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए स्ट्रक्चर्स के साथ।